सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू माई यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपको क्लास 10th का 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होते हैं, जो हमारा ये पहला नंबर है वो होता है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज। ये हमारा सम ऑफ ज़ीरोज होता है। दूसरा हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज, इट मीन्स 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको पता है हमारे जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमें इसमें वही वैल्यू फाइंड करनी है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो हम इससे ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारा ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। माइनस बी अपॉन ए हमारा किसके इक्वल है? 1/4 के इक्वल है। और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है हमारा सी अपॉन ए किसके इक्वल है? 1/1 के इक्वल है, यानी 1/1 के इक्वल है। तो आप देखिए, यहाँ पे हमारा b है 1, a है 4, यहाँ पे हमारा c है 1, a है 1। हमारा यहाँ पे a 4 आ रहा है और जो हमारा यहाँ पर a है वो हमारा 1 आ रहा है। यानी कुछ हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि ये हमारा a क्या है, इक्वल हो जाए। तो देखिए, इसे तो हम शॉर्ट फॉर्म में कर नहीं सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं, बट हम इसे चेंज कर सकते हैं। अगर हम इस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को 4/4 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 4 से, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1/4 एंड 1/4। और यहाँ पर तो आपको पता ही है हमारा माइनस बी इक्वल्स टू ए है, 1 है, और ए इक्वल्स टू 4 है। अब देखिए, यहाँ पर भी ए हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। देखिए, आ गया ना 4। अब बी हमारा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो माइनस है वो इधर चला जाता है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा -1 और ए हमारा हो जाएगा 4, और सी हमारा है 4, ए हमारा है 4। तो हमें इसका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें आपको पता है ए हमारा आ गया है 4, बी हमारा आ गया है -1 एंड सी हमारा आ गया है 4, है ना, सी की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, ए की जगह हम 4 रख देंगे, बस इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब ए की जगह 4 रखा, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस बी की जगह -1 रखना है, एक्स की जगह एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, देन सी की जगह हमें 4 रखना है, 4x² प्लस माइनस माइनस 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करा, एक्स आया प्लस 4, तो ये आ गया हमारा आंसर। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ना, ये आ गया। बहुत इजी है क्वेश्चंस, ठीक है, इसका अब हम सेकंड पार्ट करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इसका है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा √2 और 1/3। तो आपको पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं हमारे, माइनस बी अपॉन ए, इट मीन्स 1/3। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारा, जो सेकंड वाला होता है, इट मीन्स 1/3, यानी कि सी अपॉन ए, यानी कि 1/3। अब देखिए, यहाँ पर भी ए 3 है, सॉरी ये है हमारा √2, सॉरी हाँ, हमारा जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो √2 आ गया है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा ये आ गया। अब देखिए, यहाँ पर ए है हमारा 1, हमें ए को ही कंपेयर करना है, यानी डिनोमिनेटर ए हमारा 1 है, यहाँ पे ए हमारा 3 है। ठीक है, तो हम किसे चेंज करेंगे, हम इसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ 1 की जगह हमें क्या लाना होगा, 3। 3 कैसे आ सकता है, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, आ गया ना 1 3 3। अगर हम नीचे डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको इससे करा 3√2, इसको इससे करा 3, और ये आ गया 1/3। अब देखिए, यहाँ पर ए आ गया हमारा 3, बी हमारा आ गया, ये माइनस है, ये वहाँ चला जाएगा, यानी कि हमारा माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा,
प्लस का माइनस थ्री रूट टू अपॉन में थ्री, ये वाला माइनस यहाँ ट्रांसफर हो गया और सी है हमारा वन। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, ए आ गया हमारा थ्री, बी आ गया हमारा माइनस का थ्री रूट टू, देन सी हमारा आ गया वन, सी हमारा आ गया वन। ठीक है, तो हम इसकी क्वांटिटी इक्वेशन बनाएंगे जो कि कैसे बनती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की जगह क्या पुट करेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर, बी की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस थ्री रूट टू एक्स, और सी की जगह क्या पुट करेंगे, वन। ओपन इट, प्लस माइनस माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस का वन, एंड दिस इज द आंसर। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ गया। ठीक है, अब इसका पार्ट थ्री करेंगे हम। पार्ट थ्री है ज़ीरो और रूट फाइव। तो सबसे पहले हमें हमेशा ही लिखना पड़ेगा कि हमारे सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या जाते हैं। यह हमारा ज़ीरो, पहले वाला सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है, यानी कि हमारा ये है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारा, रूट फाइव। इसके नीचे कुछ नहीं था, इसके नीचे वन लगा दिया, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो हमने वन लगा दिया। देखिए ये है हमारा सी अपॉन ए, यहाँ पे भी ए हमारा वन है, यहाँ पे भी हमारा ए है वन, तो इसमें हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ए हमारा आ गया इसमें वन, बी हमारा आ गया, बी यहाँ चला गया, वैसे भी ज़ीरो है, ज़ीरो का तो कुछ होता नहीं है, और सी हमारा आ गया है रूट फाइव। अब इसमें फार्मूला लिखना है आपको, फार्मूला बार बार लिखे ताकि आपको याद हो जाए। ए की जगह क्या पुट करेंगे, वन है ना, वन एक्स स्क्वायर, बी की जगह पर पुट करेंगे ज़ीरो, देन सी की जगह पुट करेंगे रूट फाइव। वन को एक्स से करा, एक्स स्क्वायर आ गया, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो होता है, प्लस में रूट फाइव। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये आ गया हमारे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। ठीक है, इसके बाद हम इसका पार्ट फोर्थ करेंगे। पार्ट फोर है वन और वन। चलिए अब साथ में करिए आप, सम ऑफ ज़ीरोज क्या होता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए, ये फार्मूला है वन। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारा, वो भी वन है, यानी सी अपॉन ए भी हमारा वन है। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं वन लगाया, इसके नीचे भी कुछ नहीं वन लगाया, यानी ए हमारा यहाँ पर भी वन है, ए हमारा यहाँ पर भी वन है। इट मीन्स हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा यहाँ पे ए है, हमारा जो ये माइनस होता है यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि हमारा माइनस प्लस का बी अपॉन ए इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस वन अपॉन वन। ए हमारा है यहाँ पे वन, बी हमारा है माइनस वन, एंड सी हमारा है वन। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। ए की जगह वन रखा, वन इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस बी की जगह माइनस वन रखा है, और सी की जगह कांस्टेंट यानी कि नंबर रखा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस एक्स आ गया, प्लस का वन, और दिस इज द आंसर। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ करते हैं, माइनस वन अपॉन फोर और वन अपॉन फोर। सबसे पहले हमें क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस वन अपॉन में फोर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं हमारे, इक्वल्स टू सी अपॉन ए, यानी कि वन अपॉन में फोर। अब देखिए इसमें ज़रा सा ए हमारा फोर है, ए हमारा फोर है, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, किसी को किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। बट यहाँ पे जो बी है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो जब हमारा ऐसा होगा तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट। ठीक है, सो हमारा ए आ गया इसमें वन, बी आ गया हमारा, ए हमारा फोर है, सॉरी ए हमारा फोर आ गया है, बी हमारा वन आ गया है, एंड सी हमारा वन आ गया है। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू, ए क्या है फोर एक्स स्क्वायर, बी क्या है वन इंटू एक्स, और सी क्या है सी, इट मीन्स फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, और दिस इज़ द आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन फिफ्थ भी देख लीजिए आप इसका, बहुत इजी मेथड है, कोई कुछ भी ज़्यादा टेंशन वाला क्वेश्चन है नहीं। फोर और वन, हमें सबसे पहले क्या करना है,
सम ऑफ ज़ीरोज यानी कि माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू फोर, नीचे कुछ नहीं तो वन लगाया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए इट मीन्स वन, नीचे कुछ नहीं है तो वन लगाया, इसमें भी ए वन है, इसमें भी ए वन है, इसमें सी वन है, इसमें बी माइनस फोर हो जाएगा, यानी बी अपॉन जब ए करेंगे तो माइनस फोर अपॉन वन हो जाएगा। फॉर्मूले में पुट करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ए हमारा यहाँ लिख लेते हैं, ए हमारा आया था यहाँ पे वन, बी हमारा आया था माइनस फोर और सी हमारा आया था वन, ठीक है। ए की जगह हमने रखा वन इंटू एक्स स्क्वायर, बी की जगह रखा माइनस फोर मल्टीप्लाई एक्स एंड सी की जगह रखा वन, वन को एक्स से मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस का फोर एक्स प्लस वन और दिस इज द आंसर। दोबारा लिख देती हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन ये हमारा आंसर है। इस और अब हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 2.1 और 2.2 दो एक्सरसाइज आ रही हैं, 2.3 डिलीट हो चुकी है इस बार के सिलेबस से। सो होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आसान लगे होंगे क्वेश्चन। सो इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।